आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India, that will be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यू एडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। And here is like